मध्य प्रदेश के चाचौड़ा तहसील में कंप्यूटर परीक्षा में खुले आम नकल करने का मामला सामने आया है। नकल की गाइड लेकर परीक्षा देते हुए कैमरे में कैद हुए परीक्षार्थी। चाचौड़ा तहसील में कंप्यूटर परीक्षा में खुलेआम नकल कवरेज के दौरान पत्रकार का मोबाइल कैमरा छीनने की कोशिश की। बिना गंज के श्री कृष्ण मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर परीक्षा चल रही है। परीक्षा केंद्र पर खुलेआम नकल की खबर चलने की सूचना पर स्थानीय पत्रकारों ने विद्यालय में संचालित परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर देखा तो परीक्षार्थियों के पास गाइड रखकर नकल कराई जा रही थी। बलभद्र कंप्यूटर सेंटर के संचालक अपने परीक्षार्थियों को खुलेआम नकल करा रहे थे, जिन्होंने पत्रकारों को परीक्षा सेंटर में अंदर जाने से मना करते हुए पत्रकार का मोबाइल कैमरा छीनने की कोशिश की गई। श्री कृष्ण मेमोरियल हायर सेकेंडरी विद्यालय के परीक्षा केंद्र पर इन दिनों महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर की परीक्षाएं चल रही है, जिसमें सभी परीक्षार्थी कैमरे के सामने अपना मुँह भी छिपाते नजर आए। चाचौड़ा से अमित चौरसिया की रिपोर्ट। आज वहाँ नकल का मामला सामने आया, बच्चों से नकल, सरेआम खुलेआम नकल चल रही है वहाँ पे, क्या कहेंगे? अभी आपके माध्यम से ये मेरी उसमें जानकारी में आया है और मैं इसका पता करता हूँ कि ये कौन से विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हैं और वो विश्वविद्यालय प्राइवेट है या सरकारी है, और उसके संबंध में नियंत्रण करने के लिए यूनिवर्सिटी के जो दस्ते बनाए जाते हैं, उड़न दस्ता वगैरह, वो हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो अगर उनके अधिकारियों से बात करके उसको हम दिखवाएंगे। अगर उनकी इस तरह से कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम उसमें कार्रवाई करेंगे। कवरेज के दौरान पत्रकारों का मोबाइल भी छीनने की कोशिश की गई सर, उनको रोका गया कवरेज करने से? हाँ, इस संबंध में हम उससे बात करेंगे, ये पूरी घटना की जो भी जानकारी लेंगे, और फिर अगर आपके साथ अभद्रता हुई है तो आप FIR भी करा सकते हैं थाने में, अगर अभद्रता का मामला है। और बाकी केवल आपको रोकने का प्रयास किया है या अन्य चीज़ें हैं, तो उस संबंध में ये उनके अधिकारियों से जांच करेंगे और कार्रवाई कराएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।